गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इट इज़ द पाथ और रूट डिसाइडेड बाय द कंपनी टू डिलीवर इट्स गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर. इट मीन्स कि ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या बताता है कि वो एक कंपनी का एक जो पाथ है या रूट है वो कैसा है कंज्यूमर तक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने का. इट मींस कि जब कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकल के हमारे तक कंज्यूमर तक जब वो चीज पहुंचती है तो वो किस पाथ से पहुंच रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा वर्ड भी क्या होता है, बांटना. तो इट मींस कि वो किस रास्ते से, किस तरीके से वो हमें ये चीज बांट रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ मीडिएटर्स इट मींस कि इंटरमीडिएटरीज भी इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज योर होलसेलर, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनको हम एजेंट्स भी बोलते हैं, एंड लास्ट इज योर इंटरनेट. इंटरनेट इज ऑल्सो योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वन ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. Now move on to the another topic, that is type of distribution channel. Distribution channel is of two types. First is your direct channel and second is your indirect channel. Direct channel का मतलब क्या होता है, जहां पे जो तुम्हारा manufacturer है वो direct किसको चीज बेच रहा है, consumer को, बीच में कोई भी intermediaries को हम involve नहीं कर रहे. Indirect channel क्या होता है, ये वो वाला channel होता है जिसमें हम जो हमारा manufacturer है वो जब goods consumer तक पहुंचा रहा है तो बीच में वो lots of intermediaries का क्या कर रहा है, यूज. हो सकता है वो सिर्फ होलसेलर का यूज करे, हो सकता है वो होलसेलर और रिटेलर दोनों का करे, हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूटर को भी बीच में इन्वॉल्व करे, या हो सकता है वो इंटरनेट को भी यूज करे. तो इट इज बेसिकली योर इनडायरेक्ट चैनल. तो इनडायरेक्ट चैनल को हम फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज योर वन लेवल चैनल, टू लेवल चैनल एंड थर्ड इज योर थर्ड लेवल चैनल. अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये जो डायरेक्ट चैनल है और जो इनडायरेक्ट चैनल है वो दोनों चीजें क्या है. फर्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट चैनल. डायरेक्ट चैनल जिसको हम जीरो लेवल चैनल भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि यहां पे जो तुम्हारा मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट किससे लिंक कर रहा है, कस्टमर से, बीच में कोई भी इंटरमीडिएरी नहीं है, ये लोग किसी भी इंटरमीडिएरी का यूज नहीं कर रहे. ठीक है, तो जब तुम्हारा मैन्युफैक्चरर या जब कोई भी कंपनी बीच में किसी भी इंटरमीडिएरीज का यूज नहीं करती अपने प्रोडक्ट्स और अपनी जो भी उनकी गुड्स और सर्विसेज हैं उनको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट चैनल. डायरेक्ट चैनल जो है हमारा, वो हमारा सबसे सिंपल और सबसे ओल्डेस्ट मोड ऑफ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है. इट इज वेरी सिंपल एंड ओल्डेस्ट, जिसमें तुमने किसी भी इंटरमीडिएरी का यूज नहीं करा, आप डायरेक्ट किससे लिंक कर रहे हो, कस्टमर से. हेयर देयर इज नो मिडलमैन एंड द मैन्युफैक्चरर गेट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर, जैसे कि अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया. एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि तुम्हारे जो यूरेका फोर्ब्स वाले हैं, वो जो तुम्हारे वो डील करते हैं वाटर प्यूरिफायर में, एंड दे आर सेलिंग दीज वाटर प्यूरिफायर्स डायरेक्टली टू द कस्टमर, दे डोंट यूज एनी इंटरमीडिएरीज. ठीक है, सेम एज द मैकडोनल्ड्स, वो भी क्या करते हैं, अपना सामान डायरेक्ट, मतलब वो जो भी चीजें बनाते हैं वो डायरेक्ट मैकडी से हमें मिलती हैं, तो कोई और शॉपकीपर जो है वो उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को नहीं बना रहा. या हम बेसिक लैंग्वेज में अगर बोलें तो जो तुम्हारे मैन्युफैक्चरर्स जो पेरिशेबल गुड्स में डील करते हैं वो किस चैनल का यूज करते हैं, डायरेक्ट चैनल का. पेरिशेबल गुड्स का मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो अगर टाइमली यूज नहीं किए जाएंगे तो खराब हो जाएंगे, तो इसके लिए हमें ऐसे में जो तुम्हारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो कौन से चैनल का यूज करते हैं, डायरेक्ट चैनल. ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टैंड विद द डायरेक्ट चैनल. ठीक है, नेक्स्ट आर सेकंड पॉइंट इज इनडायरेक्ट चैनल. इनडायरेक्ट चैनल का मतलब क्या होता है, जब हम हमारे प्रोडक्ट्स और गुड्स और सर्विसेज को हम मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं किसकी हेल्प से, इंटरमीडिएटरीज. इंटरमीडिएटरीज का मतलब क्या होता है, मिडलमैन. तो इट मींस कि जब मैन्युफैक्चरर यूज कर रहे हैं किसको, वो जब यूज कर रहे हैं किसको, मिडलमैन को यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए
उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट चैनल। ठीक है, इनडायरेक्ट चैनल में हमने बोला था कि फर्दर थ्री टाइप्स हैं इसकी। फर्स्ट इज योर वन लेवल चैनल। वन लेवल चैनल में देखो क्या है, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वन मिडलमैन। यहां पे हम एक मिडलमैन का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। वो तुम्हारा वन मिडलमैन कौन है, रिटेलर। ठीक है, तो रिटेलर क्या करता है, रिटेलर ये देखो इसमें जो हमारी इसकी जो ये इसमें तुम्हारे क्या आ गए, तीन चैनल्स आ गए, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। जीरो लेवल चैनल में कौन था, सिर्फ मैन्युफैक्चरर था और कंज्यूमर था। यहां पे कौन आ गया, एक वन लेवल चैनल। वन का मतलब हमने यहां पे एक मिडलमैन को यूज किया और वो वन मिडलमैन कौन है, रिटेलर। तो रिटेलर क्या करता है, रिटेलर मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदता है और कंज्यूमर को पहुंचाता है। इसने गुड्स किससे खरीदे, मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर ने गुड्स खरीदे और उसको कहां तक पहुंचाया, कस्टमर तक। ठीक है, देन अगर मैं इसकी एग्जाम्पल्स की बात करूं तो जैसे टाटा है, टाटा सेल्स इट्स कार्स थ्रू कंपनी अप्रूवल रिटेलर्स। तो मतलब वो क्या करती हैं, वो ये वन चैनल का यूज कर रही हैं। या बेस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरर डील्स इन शॉपिंग, जो शॉपिंग या स्पेशलिटी गुड्स में जो मैन्युफैक्चरर्स डील करते हैं वो किस चैनल का यूज करते हैं, वन लेवल चैनल का। इसमें कौन कौन सी चीजें आ गई तुम्हारी, क्लोथ्स आ गए, शूज आ गए, फर्नीचर आ गए एंड टॉयज आ गए। Now the next level is our two level channel. Two level channel as this channel includes the two middlemen. Two middlemen. इसमें कौन कौन से दो middlemen आ जाएंगे, एक तो आ गया तुम्हारा wholesaler और दूसरा कौन सा आ गया, retailer. ठीक है, तो इसकी जो chain है वो कैसे बनती है, First is your manufacturer, second is your wholesaler. फिर कौन आ जाते हैं, रिटेलर एंड लास्ट में कौन आता है, हमारा कस्टमर। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो तुम्हारे होलसेलर्स होते हैं, होलसेलर्स बाय द गुड्स इन बल्क फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। उन्होंने क्या किया, होलसेलर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर से क्या किया, गुड्स को बल्क में बाय किया। ठीक है, और उसको छोटे छोटे लोट्स में डिवाइड करके या स्मॉल पैकेजेस में उनको किसमें बेच दिया, मतलब जितना सामान होलसेलर रखता है उतना रिटेलर नहीं रखता ना, रिटेलर क्या रखता है, वैरायटी ऑफ गुड्स रखता है स्मॉल क्वांटिटीज में। तो स्मॉल क्वांटिटीज में होलसेलर ने वो सामान किसको बेच दिया, रिटेलर्स को। होलसेलर सेल्स स्मॉल लोट्स टू द रिटेलर्स एंड देन रिटेलर्स देन सप्लाई द गुड्स टू द अल्टीमेट बायर और योर एंड कस्टमर्स। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या एग्जाम्पल आ जाते हैं, जो तुम्हारे ड्यूरेबल गुड्स होते हैं या जिसे हम बोलते हैं कन्वीनियंट गुड्स या जिसे हम बोलते हैं समवट इनएक्सपेंसिव गुड्स। इनएक्सपेंसिव मतलब जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और जो ड्यूरेबल हैं, जैसे कि सॉप, राइस, व्हीट, ऑयल, शुगर एटसेट्रा, ये सारे तुम्हारे क्या आ गए, मतलब वो वाले मैन्युफैक्चरर्स जो सॉप में, राइस में, व्हीट में, ऑयल या शुगर इन सब में जो डील करते हैं, क्योंकि ये सारे ड्यूरेबल गुड्स हैं। ठीक है, कन्वीनियंट गुड्स, तो ये वो कौन से चैनल का यूज करते हैं, थ्री लेवल चैनल। थ्री लेवल चैनल में देखो क्या होता है, दिस चैनल कॉम्प्रोमाइज ऑफ द थ्री मिडलमैन। अब यहां पे कौन आ जाएंगे, तीन मिडलमैन आ जाएंगे, कौन कौन, एजेंट आ गया, होलसेलर आ गए और रिटेलर्स आ गए। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर आया पहले, फिर तुम्हारे कौन आ गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स या जिससे हम बोलते हैं एजेंट्स आ गए, देन तुम्हारे कौन आ गए, होलसेलर्स, आफ्टर देन रिटेलर्स एंड देन फाइनली योर कस्टमर। ठीक है, यहां पे क्या होगा थ्री लेवल चैनल में, कि जो तुम्हारा मैन्युफैक्चरर है वो पहले गुड्स जो है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब वो किसको गुड्स बेचेगा पहले, डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक है, एजेंट्स को बेचेगा वो, एजेंट्स आगे क्या करेंगे, गुड्स को होलसेलर्स को देंगे, होलसेलर्स फिर रिटेलर्स को देंगे एंड रिटेलर फाइनली किसको देंगे, गुड्स, कस्टमर को। तो दिस लेवल इज यूजुअली यूज्ड व्हेन अ मैन्युफैक्चरर डील इन लिमिटेड प्रोडक्ट्स एंड येट वॉन्ट्स टू कवर अ वाइड एरिया। जहां पे जो तुम्हारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लिमिटेड प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं एंड येट दे वॉन्ट्स टू कवर अ वाइड मार्केट। ठीक है, दैट कंप्लीट्स योर टाइप ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमने, आपको याद होगा, फर्स्ट जब हमने पेज किया था उसमें हमने बात कही थी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में चार चीजें इन्वॉल्व होती है, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड इंटरनेट। हमने होलसेलर का पढ़ लिया, रिटेलर पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूटर पढ़ लिया, नाउ कम टू द इंटरनेट। इंटरनेट एज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये कैसे है, बोलते कि अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें, जो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल्स थे, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं आजकल के, नाउ दे आर यूजिंग
Now they are using marketplaces like the Amazon and the other middlemen like the aggregators. मतलब जैसे Amazon हो गए, Uber वाले हो गए, किसके लिए वो डील कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए डील कर रहे हैं. तो इंटरनेट भी जो है वो आजकल क्या किया जा रहा है, एज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक लार्ज लेवल पे इसका क्या कर रहे हैं वो लोग यूज. होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.